नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। लूट की घटना के बाद पुलिस और एसओजी टीम लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए दे रही है दबिश। लूट की पिकअप बेचने मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे बदमाश। इसी दौरान सूचना मिलने पर पुलिस व एसओजी टीम ने घेराबंदी कर बदमाशों को ललकारा, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं बदमाशों से लूट की पिकअप बरामद कर पूछताछ की जा रही है। लूट में शामिल तीसरे बदमाश की तलाश जारी है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से लक्ष्मी प्रसाद की खास रिपोर्ट। एनकाउंटर हुआ, किसका एनकाउंटर हुआ, क्या मामला था? कल बरुआ सागर थाना क्षेत्र में बेतवा पुल के पास से तीन अपराधियों ने एक पिकअप लूट ली थी, जिसके संबंध में पीड़ित के आधार पर पीड़ित की तहरीर पर FIR पंजीकृत कर लिया गया था और पुलिस टीम लगा दी गई थी केस को वर्कआउट करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए। आज पुलिस टीम को ये सूचना मिली कि जिन अपराधियों ने ये पिकअप लूटी है, वो आज इसको बेचने के लिए लक्ष्मण पूरा कट से ये पुराने मऊरानीपुर रोड से होते हुए इसको MP ले जाके बेचने वाले हैं। इस पे इनकी घेराबंदी की गई थी, तो ये जब इनको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस टीम के द्वारा, ते रुके नहीं बल्कि ये जंगल की तरफ भगा दिए गाड़ी। पुलिस टीम ने इनको पुनः जब घेरा तो ये फायरिंग, जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिए। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों को पैर में गोली लगी, इनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इनसे जो लूटी हुई पिकअप थी वो बरामद हुई है। एक अपराधी जो भगा हुआ वो पूर्व से ही इनके साथ में नहीं था, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य कोई घटना इनके द्वारा की गई है तो भी हम लोग देखेंगे, प्लस जो तीसरा अपराधी है उसको भी गिरफ्तारी के लिए यथाशीघ्र प्रयास किया जाएगा। और ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितने का है सर? वो कितना, क्या पुराने सातिर अपराधी क्या है? नहीं, अभी इनका अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो अभी नहीं पता चली है, और इनसे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि क्या ये पहले कभी जेल गए हैं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं, लेकिन तत्काल अभी पूछताछ में अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का पता नहीं चला। कहाँ लूटा था इन्होंने ये पिकअप? ये बेतवा का जो पुल है उसके पास से इन लोगों ने कल रात्रि में करीब 9 बजे के लगभग इन लोगों ने ये पिकअप लूटी थी। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।